नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरनाथ कुमार है। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, आसमान में उड़ने वाली वीडियो कैसे बनाते हैं, तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूं कि आसमान में उड़ने वाली वीडियो कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें काइन मास्टर एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपके पास काइन मास्टर एप्लीकेशन नहीं होगा तो आप हमारे दिए गए लिंक से आप काइन मास्टर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपने वीडियो सबसे पहले वीडियो कैसे शूट करनी है। दोस्तों, तो दोस्तों मैं बता देता हूं कि जो पहली वीडियो है आपने शूट कर लेनी है, ऐसे दौड़ के थोड़ा सा उछाल लेना है, वो ऐसी वीडियो शूट कर लेना है। और जो दूसरा वीडियो है ये ऐसे ऐसे करना है, आपने सिर्फ ऊपर की तरफ उछाल मारना है, ये ऐसे देख लीजिए आप, ऐसा दो वीडियो आपने शूट कर लेना है। उसके बाद का प्रोसेस मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। दोस्तों, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने वीडियो दोनों लेयर यहाँ पर ले लेना है दोनों वीडियो का, तो जैसे आप यहाँ पर ये उछाल मारोगे, ये दूसरा वीडियो जो लिए रहेंगे आप, ये यहाँ पे आपने वीडियो रोक देना है ला करके, ठीक है। आप अच्छी तरह से करिएगा, ये वाला सीन हमें रख लेना है, ठीक है। ये वाला सीन हमें ले लेना है और यहाँ से हमने फ़ोटो कैप्चर कर लेना है। दोस्तों, ये वाला निशान आप देख रहे हैं, यहाँ से हम क्लिक करेंगे इस पर, फर्स्ट वाला ऑप्शन है कैप्चर एंड सेव फ्रेम एट प्लेहेड पे क्लिक करके इसकी फ़ोटो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। दोस्तों, तो और इसका जो दूसरा एप्लीकेशन है, एक और एप्लीकेशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी, फ़ोटो इरेजर। अगर आपके पास फ़ोटो इरेजर नहीं होगा तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, या तो पिक आर्ट होगा तो उससे भी आप कर सकते हो। आपको ये फ़ोटो कट करनी पड़ेगी। आइए हम कट करके देखते हैं दोस्तों कि फ़ोटो को कट कैसे करना है हमें। तो सबसे पहले हमें पिक आर्ट में चलना है। दोस्तों, पिक आर्ट ये आ गया। दोस्तों, जैसे पिक आर्ट खुलेगा, आप इस वीडियो को ध्यान से देखेगा वरना समझ में नहीं आने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है दोस्तों, ये प्रचार वगैरह दे देता है ना। यहाँ पे हम पिक आर्ट में अपने गए हैं और पिक आर्ट में से अपनी जो फ़ोटो खींचा था हमने, वहाँ से एक फ़ोटो को ले लेंगे। दोस्तों, वहाँ से फ़ोटो को ले लेंगे तो ये देखिए आप फ़ोटो आ गई है। यहाँ पे आपने जाना है कट आउट वाले सिस्टम पे, कहाँ पे सिस्टम पे, और यहाँ से आपने ये धीरे 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 आपने ऐसा निशान बना लेना है। दोस्तों, आप धीरे धीरे करिएगा, मैं तो इसको मैंने पहले से भी फ़ोटो कट करके रख लिया है, आप लोगों को ऐसे बताने के लिए कर रहा हूँ। दोस्तों, तो आप देख लीजिए, ऐसे 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 आपने कट कर लेना है, ठीक है। दोस्तों, अब यहाँ पे क्लिक करना है, आपने एरो वाले निशान पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ से आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं आगे पीछे करके, इसको मान लीजिए कहीं पर आपको दिक्कत लग रही है तो यहाँ पर थोड़ा सा रेड नहीं आया है, तो आपने यहाँ पे ब्रश वाले आइकन पे जा करके यहाँ से इसको साइज छोटा करके आपने यहाँ पे ब्रश कर देना है। यहाँ पे आपने ब्रश कर देना है, जहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट हो गया होगा इसको आपने इससे मिटा देना है, ठीक है, रेड वाले ऑप्शन को यहाँ से। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेट हो गया है, जहाँ जहाँ मेरा आपने आराम आराम से करना है, हम तो जल्दीबाजी में आपको बताने के लिए कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ से जो ऊपर वाला ऑप्शन है, यहाँ से आपने सेव कर लेना है। वैसे मैं दूसरी पिक सेव कर लिया हूँ, तो आइए आपको काइन मास्टर में लेकर के चलते हैं, दोबारा फिर से दिखाते हैं कि हमें अगला प्रोसेस कैसे करना पड़ेगा। दोस्तों, तो दोस्तों आप बने रहिए, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों, ध्यान से देखिए इस वीडियो को। इसके बाद हमें ले लेना है, अब इस वीडियो को हमारे पास कोई काम नहीं है, ठीक है, इस वीडियो को हमें उड़ा देना है। और यहां से हमें कोई बैकग्राउंड ले लेना है, हम ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है, हमने ब्लैक बैकग्राउंड ले लिया, ठीक है। दोस्तों, आप देख सकते हो कि ये सीन आ रहा है हमारा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से जहाँ पे हमारा पॉइंट ख़त्म हो रहा है दोस्तों, वहाँ पे हमें मीडिया वाले लेयर वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ से उसके बाद मीडिया वाले ऑप्शन में जाना है, मीडिया वाले ऑप्शन में जा करके हमें वो सीन लगाना है जो वो
जहाज वाला सीन है, आसमान वाला सीन है दोस्तों। तो मैं आप लोग बता दूं कि अगर वो आपके पास नहीं होगा तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जा करके मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो ये सीन हमने यहां पे लगा दिया दोस्तों, ठीक है, ये सीन हमने लगा दिया। इसको हमने यहाँ से फुल कर लेना है, फुल करने के बाद यहाँ से हमने फुल कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ से दोस्तों इसको यहाँ से यहाँ लगा देना है आपने, यहाँ लगा देना है, यहाँ पे छिपा देना है बिल्कुल। छिपाने के बाद दोस्तों यहाँ चाबी वाले ऑप्शन पे जाना है, आप चाबी वाला ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ चाबी वाले ऑप्शन पे जा करके आपने थोड़ा सा आगे जाना है, थोड़ा सा आगे जाना है, और ये चाबी वाले आइकन पे, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके छोड़ देना है यहाँ पे दोस्तों। फिर उसके बाद हमें एक और ले लेना है, खंभे वाला पीएनजी ले लेना है। यहाँ फिर से लेयर में हमें जाना है, लेयर में फिर से जाना है, और मीडिया में फिर से जाना है। और मीडिया में जाने के बाद आपने डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे डिस्क्रिप्शन से, वहाँ मैं दे दूँगा इसका लिंक। तो आपने ये खंबे वाला पीएनजी लगा देना है, खंबे वाला पीएनजी लगा देना है। ये खंबे वाला भी इसके साथ जहाँ से ख़त्म होगा इसके साथ ही रहेगा। और इसको दोस्तों आपने बढ़ा लेना है, बिल्कुल बढ़ा लेना है इसको, इसको बढ़ा करके यहाँ यहाँ पे बिल्कुल कर देना आपने, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जैसे आपने कर दिया, यहाँ पे हमने इसको चाबी वाले ऑप्शन पे जा करके, और इसके बाद फिर से हमें लेयर पे जाना है, लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है। और जो हमने पिक्चर को कट किया था उसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेना है। और यहाँ पे हमारा कहाँ पे चला गया, पिक आर्ट पे चले जाना है। और जो जो हमने कैप्चर किया था उसको यहाँ पे ला देना है दोस्तों। जैसे आप यहाँ पे लाएंगे उसको दोस्तों, इसमें टाइम तो ज़रूर लग रहा है लेकिन बहुत ही अच्छी वीडियो बनेगी, अभी आप देख सकते हैं। इसको हमें दोस्तों, इसके बाद हमें ये जो यहाँ से यहाँ यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद हम ये इस वाले को हम यहाँ चाबी वाले आइकन पे क्लिक करने के बाद इसको हम पूरा फुल वीडियो कर देंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ से हमने इसको फुल कर दिया, ठीक है, और फिर चाबी वाले आइकन पे चले गए, ओके कर दिया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद वैसे ही हमें इस खंभे पर करना है, सेम टू सेम वैसे ही करना है, चाबी वाले आइकन पे चले जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जाना है, फिर इसको ला करके यहाँ कर देना है आपने, ये बिल्कुल छिपा देना है, और यहाँ प्लस कर देना है। अब आप देख सकते होंगे, यहाँ पे देखते हैं हम कि कैसा इफ़ेक्ट आया है। दोस्तों अभी आपने देखा कि इसका बिल्कुल ख़राब लुक आ रहा है, आप देखिए इसको कि बिल्कुल ख़राब लुक आ रहा है। अभी मैं इसको यहाँ पे जो हमारे वीडियो जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कम कर देंगे, यहाँ से जहाँ तक ये बस ये यहाँ तक हमें इसको कट कर देना है दोस्तों, यहाँ तक हमें कट कर देना है। और जो ये बाकी का हिस्सा है जहाँ पे हमने पहले लगाया था इसको सेम टू सेम यहीं पे लगा देना है दोस्तों। आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये सेम टू सेम ये यहीं पे लगा देना है दोस्तों, ठीक है। अब इसका इफ़ेक्ट देखते हैं कि इसका इफ़ेक्ट कैसा आया, चला करके इसको देखते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा अभी भी ये खंभे वाला इफ़ेक्ट थोड़ा लेट आ रहा है दोस्तों,
मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। खम्बे का इफेक्ट थोड़ा सा लेट आ रहा है, अभी देखते हैं इसको। ये खम्बा जो हमारा है, खम्बा ये गुम नहीं हो रहा दोस्तों, ये यहाँ से क्लिक करने के बाद ये खम्बा पूरा ही गुम हो जाएगा। अब इसका देखते हैं इफेक्ट, चला करके देखते हैं दोस्तों। खम्बा गुम हो गया और इसके बाद ये यहाँ पे दोस्तों जो देख रहे होंगे आप, ये इसको हमने खम्बे को हमने सेंड टू फ्रंट कर देना है, सेंड टू फ्रंट कर देना है। ओके दोस्तों, ठीक है। अब ये वीडियो देखते हैं। थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है दोस्तों इसमें, ये इसके साथ होना चाहिए खम्बा, ये खम्बा खम्बा मेरा इसके साथ होना चाहिए, ये इसके साथ होना चाहिए खम्बा। तो हम इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए कैसे बना रहे हैं। ये चाबी वाले ऑप्शन पे फिर से जाना है आपने और फिर से प्लस माइनस वाले पे चले जाना है। अब हम इसको देखते हैं चला करके कि कैसा इफ़ेक्ट आया है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि दोस्तों बिल्कुल अच्छा इफ़ेक्ट आ गया है। वैसे अभी भी हमें इसमें कुछ थोड़ा सा करेक्शन करने की ज़रूरत है। अभी मैं करके दिखा रहा हूँ आपको दोस्तों। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल खम्बा इसके साथ साथ जा रहा है दोस्तों। अब देख सकते हैं बिल्कुल खम्बा इसके साथ साथ जा रहा है और फिर आगे जाने के बाद इसको हमने यहाँ पे जाना है थोड़ा सा और फिर चाबी वाले आइकन पे क्लिक करके, इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके ये हमें इसको थोड़ा सा छोटा कर देना है और ऊपर कर देना है यहाँ पे। अब हम इसका इफ़ेक्ट देखते हैं दोस्तों कैसा आया है। आप देख सकते हैं दोस्तों इसका इफ़ेक्ट कैसा आया है। बिल्कुल हमारी वीडियो बन के तैयार हो गई है। ये आप भी बना सकते हैं, बहुत आसान वीडियो बनाना है मेरे दोस्तों। ये आपने फिर इसके बाद यहाँ पे जितना आपको चाहिए यहाँ पे बैकग्राउंड आपने यहाँ से कट कर देना है। यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट आपने यहाँ से कट कर दिया दोस्तों, ठीक है। ये वीडियो हमारी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सही वीडियो बनी है, बिल्कुल ओके रिपोर्ट बनी है। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। यहाँ से आपने जा करके यहाँ से भी इस वीडियो को यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लेना है।